2012 में दिल दहला देने वाली निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में एक अक्षय ठाकुर की फांसी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी के वकील ने अजीबोगरीब दलीलों से सबको हैरत में डाल दिया। दोषी अक्षय की तरफ से पेश वकील एपी सिंह ने कानूनी तथ्यों का सहारा लेने की जगह इधर उधर की बातें ही करते रहे और कोई भी नया तथ्य या नया साक्ष्य नहीं रख पाए। उन्होंने जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच के सामने सतयुग, त्रेता से लेकर महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे, दिल्ली प्रदूषण और मानव अधिकार तक का हवाला दिया। हालांकि तीनों जज दलीलों से सहमत नहीं दिखे और कई बार कहा कि ज्यादातर दलीलें ट्रायल कोर्ट से ही दी जा रही हैं। करीब 30 मिनट तक अक्षय के वकील एसपी सिंह ने कोर्ट में कई दलीलें दी, लेकिन उसकी एक भी दलील काम नहीं आई और देश के सबसे बड़ी कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि अक्षय के वकील एसपी सिंह ने क्या दलीलें दी और उस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की। निर्भया के दोस्त की गवाही और जांच। घटना के कुछ समय बाद पीड़ित का दोस्त मीडिया से पैसे लेकर इंटरव्यू दे रहा था। इससे केस प्रभावित हुआ, वो विश्वसनीय गवाह नहीं था। जस्टिस भूषण, इसका इस मामले से क्या संबंध? वकील ने कहा, वो लड़का मामले में इकलौता चश्मदीद गवाह है, उसकी गवाही मायने रखती है। वकील ने रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र की हत्या का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में बेकसूर को फंसा दिया था, अगर सीबीआई जांच नहीं होती तो सच सामने नहीं आता, इसलिए हमने इस केस में भी सीबीआई जांच की मांग की थी। जेल में दोषी राम सिंह के फांसी लगाने पर। वकील ने तिहाड़ के पूर्व जेल अधिकारी सुनील गुप्ता की किताब का जिक्र किया, जिसमें इस बात का संदेह जताया गया कि राम सिंह की जेल में हत्या की गई थी। ये नए तथ्य हैं, जिन पर कोर्ट को फिर से विचार करना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि हम लेखक की बातों पर नहीं जाना चाहते, ये एक खतरनाक ट्रेंड होगा। अगर लोगों ने ट्रायल के बाद किताबें लिखना शुरू कर दिया तो ये सही नहीं होगा। फांसी की सजा पर दिल्ली के प्रदूषण का जिक्र। वकील ने कहा, फांसी सजा का प्राचीन तरीका है। कलयुग में लोग केवल 60 साल तक जीते हैं, जबकि दूसरे युग में और ज्यादा जीते थे। हम दिल्ली में रहते हैं, जो प्रदूषण की वजह से वैसे ही गैस चैम्बर बन चुकी है, जिससे लोग मर रहे हैं, तो मौत की सजा क्यों? महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मौत की सजा उचित समाधान नहीं है, अपराधियों को पुनर्वास का मौका मिलना चाहिए। गरीब अपने लिए कानूनी उपाय सही से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी जाती है। भारत अहिंसा का देश है, फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, भारत विरोधी संस्कृति का लक्षण है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। मौत से पहले निर्भया के बयान। पीड़िता का आखिरी बयान संदेहास्पद था, उसे इसके लिए सिखाया और पढ़ाया गया। लड़की ने अक्षय का नाम नहीं लिया और न ही वो वारदात में शामिल था, उसे फंसाया गया है। पीड़िता की मौत सेप्टिसीमिया और ड्रग ओवरडोज से हुई थी, दवा के रूप में मॉर्फिन दिए जाने से वो नशे में थी, तो आखिरी बयान कैसे संभव हुआ? मौत से पहले उसके 3 बयान लिए गए, जिनमें विरोधाभास भी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुनर्विचार याचिका का विरोध किया। मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सभी दलीलों और सबूतों को परखने के बाद फांसी सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। ये अपराध ऐसा गंभीर है जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता, जिसमें सिर्फ फांसी की सजा ही हो सकती है। ऐसे राक्षसों को पैदा कर ईश्वर भी शर्मसार होता होगा, इनसे कोई रहम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं। इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन देश को दहला देने वाले निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने की तैयारियों में जुटा है। जेल सूत्रों के मुताबिक एक साथ ही चारों को फांसी देने के लिए एक नई तकनीक का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं तिहाड़ जेल ने उत्तर प्रदेश से 2 जल्लाद मुहैया करवाने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के एडीजी आनंद कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को तिहाड़ जेल से एक पत्र मिला है, जिसमें यूपी के 2 जल्लादों की सेवाएं मांगी गई हैं, क्योंकि उनके पास जल्लाद नहीं है। पत्र में दोषियों को फांसी दिए जाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।